हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत धोने के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और ये ब्लॉग बनाना लाजमी है क्योंकि आपको पता है काफ़ी दिनों बाद बारिश हुई है और फसल को ज़्यादा से ज़्यादा नीड थी बारिश की। तो आप देख सकते हो बारिश के बाद फसल लहराने लगी है और खिलने लगी एकदम बिल्कुल हरी भरी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी उसकी वजह से सोयाबीन बहुत ज़्यादातर ख़राब हो चुकी थी पानी की वजह से। लेकिन फाइनली बारिश हो चुकी है और आप देख सकते हो बारिश का नज़ारा, अभी भी आप देख सकते हो ऊपर मौसम हो रहा है बारिश का। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, मैं आपको दिखाऊंगा बारिश के बाद फसल कैसी है, कितनी फलियाँ आई उसमें, कितनी ग्रोथ हुई, वो मैं आप सबको दिखाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए। दोस्तों, ये मेरा खेत और आप देख सकते हैं उसमें सोयाबीन का नज़ारा, काफ़ी ओस के साथ साथ बारिश की बूंदें भी झिली हैं इसमें, तो आप देख सकते हो लगभग सोयाबीन पकने के लिए तैयार हो चुकी है। और आप देख सकते हो पानी की बहुत ज़्यादा नीड थी सोयाबीन को, तो पानी गिरने से फलियों में थोड़ा सा ग्रोथ दिख रहा है, आप देख सकते हो इधर 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 देख सकते हो दोस्तों। तो ये दोस्तों 15-16 लगभग 3.5-4 महीने में आती है, तो अब जैसे ही बारिश एंड होगी ये पक जाएगी और इसको फिर कटवाया जाएगा। बने रहिए दोस्तों वीडियो में, मैं आगे भी दिखाऊंगा। एक खेत और है हमारा और इधर ये है 95-60। दोस्तों, ये मेरा दूसरा खेत, इसमें हमने लगाए 20-97 जो कि ये ज़्यादा दिनों में आती है और इसको पानी की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इसमें भी फलियाँ आ चुकी है और इसमें कटुआ लगा हुआ है, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा खा रखी है, देख सकते हो इल्ली भी दिख रही है इसमें एक। अब सोयाबीन की हाइट इतनी है कि इसमें दवा डलवाना काफ़ी मुश्किल है, अगर इसमें कोई घुसेगा तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो इल्ली आप देख सकते हो दिख रही है, इस सफेद वाली इल्ली इसमें आई है, तो देख सकते हो दोस्तों। और ऊपर देख सकते हो बादल मंडरा रहे हैं, कभी भी बारिश हो सकती है यहाँ पर। और एक खेत मेरा ये है, इसमें 20-97 है उधर साइड, और बीच में हमने थोड़ा सा गैप रह गया था तो इसमें लगाई थी सम्राट 95-60, लेकिन इस बार 95-60 की जो ग्रोथ है, जो फलियां है वो बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे पेड़ है लेकिन आप देख सकते हो फलियां, एक एक पेड़ में 100-100 फलियां दिखेगी आपको। ये देख सकते हो गाइस, इधर देख सकते हो बस ये थोड़ा सा गैप रह गया था, लेकिन इसमें जो कुछ कुछ पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा लदी हुई इसमें सोयाबीन, ये देख सकते हो। और इधर जो 20-97 है इसमें इल्ली लग चुकी है, सफ़ेद इल्ली का प्रकोप ज़्यादा है, ये देख सकते हो आप, ये बैठी इसमें, तो इसमें दवा डलवाना भी काफ़ी मुश्किल है, देख सकते हो गाइस। सोयाबीन की हाइट दिखाऊंगा मैं आपको, मैं खड़ा हूँ सोयाबीन के खेत में बीच में, आप देख सकते हो सोयाबीन की जो हाइट है वो मेरी कमर से भी ऊपर है, तो देख सकते हो पीछे
इल्ली ज़्यादा लगी हुई है इसमें, बहुत ही ज़्यादा पत्ते खा रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट्स करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स कर बताइए आपके यहाँ सोयाबीन कैसी है, और इल्ली का जो प्रकोप है वो कितना है, और इस बार सफ़ेद इल्ली लगी है तो आपके यहाँ किस प्रकार की फसल है, तो कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।